बात बस्तर की खूबसूरती की जो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में मशहूर है, तो चलिए आज इसी कड़ी में आपको लेकर चलते हैं महादेव की एक गुप्त गुफा में, जहां आज हम आपको कई रहस्यों में रूबरू करवाने वाले हैं। आज ये गुफा पर्यटकों के लिए भी आकर्षक का केंद्र बन चुकी है, तो चलिए आपको इस खास गुफा की सैर कराते हैं। बस्तर अपने प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ की खूबसूरती के लिए पूरे विश्व में विख्यात है। आज ऐसे ही एक गुफा से आपको रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि इसकी विशेषता क्या है, कितने साल पुरानी यह गुफा है और यहाँ की खासियत क्या है। तो आइए लिए चलते हैं आपको उस गुफा की ओर। मांदरकोंटा गुफा सैकड़ों साल पुरानी गुफा है। बताया जा रहा है कि 1948 में मांदरकोंटा के लखमा सोढ़ी नाम के ग्रामीण ने इस गुफा की खोज की थी। यह गुफा जगदलपुर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर है और नेगानार इलाके में बड़े चट्टानों के बीच मौजूद है। तो निकल चुके हैं हम उस गुफा की ओर, जिस गुफा के बारे में हम आपको बता रहे हैं और मन में काफी एक्साइटमेंट है और आपको भी होगी, क्योंकि बस्तर में घने जंगलों के बीच अगर इस तरीके की गुफा की खोज की जाती है और पर्यटकों के भीड़ काफी वहां पर उमड़ रही है, तो बिल्कुल उस गुफा में काफी कुछ विशेष होगा। और ये भी यहाँ की मान्यता है कि जिस तरीके से गुफा की यहाँ पर बस्तर में खोज हुई है और पिछले अगर कुछ साल पुरानी की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर पुराने ऋषि मुनि जो हैं वो तपस्या करते हैं, नाग नागिन का भी कई कहानियाँ जो यहाँ पर सुनाई जाती है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये गुफा उस बात से ताल्लुक रखता है या फिर ये अलग है। धीरे धीरे हम इस गुफा का जितना राज है वो आपके तरफ खोलेंगे। हालांकि गुफा का मुख्य द्वार काफी संकरा होने की वजह से ग्रामीण भीतर जाने से हिचकिचाते थे, लेकिन आप सभी को इस गुफा की सैर करवाने के लिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम ने अपना सफर शुरू कर दिया। सफर के समय रास्ते में खूबसूरत जंगल और झाड़ियों के साथ कई वन प्राणी भी नजर आए। हालांकि यह सफर इतना आसान नहीं था। मांदरकोंटा गुफा से 2 किलोमीटर पहले तक ही हमारी गाड़ी वहां पर पहुंच पाई। वहां से हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी पैदल ही पगडंडियों के माध्यम से गुफा की ओर रवाना हो गए और फिर सफर की शुरुआत कर दी। अब हम लगभग पहुंच चुके हैं उस मांदरकोंटा गुफा के करीब, जिस विषय में हम आपको बता रहे थे, और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर वह गुफा है और यहाँ से हमको पगडंडियों के द्वारा धीरे धीरे सफर तय करना पड़ेगा। तो चलिए हम पगडंडियों से धीरे धीरे सफर तय करते हैं। हमारी टीम को गुफा का सफर तय करने के बाद एक ऊंची पहाड़ी का सफर भी तय करना पड़ा। इसके बाद हम उस गुफा के दरवाजे तक पहुंच गए। गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी ने वहां के ग्रामीणों और गार्ड से गुफा के संबंध में बातचीत की। तो अब इंतजार हुआ खत्म और हम पहुंच चुके हैं उस मांदरकोंटा गुफा में, जिसके बारे में हम आपको लगातार बताते आए हैं। हमारे साथ गाइड मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सोनादर मंडावी। अच्छा, कब यहाँ काम कर रहे हैं आप? हाँ, हम लोग अभी पिछले 2.5 साल हो रहा है तब से यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं।
अच्छा, कितने टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं? हाँ, टूरिस्ट मतलब महीने में 500-600 आते हैं। 500-600 आ जाते हैं। हाँ। तो आपका रोजगार भी होता है इससे? हाँ, रोजगार भी होता है। अच्छा, इस गुफा की खोज कब की गई थी? गुफा की खोज 1947-48 में खोज हुआ था, जबकि वो जब गांव वाले खोज हुआ था, लेकिन जो शासन को नहीं दिया गया था। और अभी पिछले 2.5 साल से यहाँ पे शासन को अभी मतलब प्रचार किया गया है। अच्छा, प्रचार किया जा रहा है तो टूरिस्ट भी बढ़ रहे हैं। बढ़ रहे हैं। इस गुफा की क्या विशेषता है? इस गुफा के अंदर में ऐसा एक विशेषता है, यहाँ गाँव के लोग, यहाँ के सियान परदादा लोग सब मानते हैं, कहते हैं कि पहले यहाँ पे आते थे, रहते थे, बरसात समय भी यहाँ पे छुपा करते थे, ऐसा कहना है सियानों के, यहाँ के बुजुर्गों का कहना है। अच्छा, ये अंदर गुफा के अंदर क्या ऐसे कोई प्राकृतिक या फिर कोई आकार बना हो पूर्वजों का, जैसे माता हो गई या फिर आस्था से जुड़ा हुआ क्या कुछ अंदर अंकित है? हाँ, अगर उसको अनुभव किया जाए तो उसके अंदर मंदिर के जैसा आकार दिख जाएगा, बिस्तर के जैसा दिख जाएगा, पत्थर का ही बना हुआ सब बनावट ही दिखेगा, उसमें नेचुरल है, उसमें कोई बनावट नहीं है। और पत्थर से एक ऐसा पानी का बूंद जो है वो टपकता है, उस टपकती पानी में वही पत्थर बनता हुआ संगमरमर जैसा दिख जाएगा। और पहली बार जो गुफा को जिसने खोजा था उनका नाम क्या है, और जब ये अंदर प्रवेश किए थे तो कैसे प्रवेश किए थे, अभी आप कुछ बता रहे थे, थोड़ा सा दर्शकों को भी बताएंगे। अच्छा, यहाँ जब शुरू में एक मोर अंदर में प्रवेश किया था तो शिकार के रूप में आया। अब इसके अंदर मैं गुफा के अंदर यहाँ मान्यता है कि हम आदिकाल से यहाँ जो चलने फिरने वाले लोग कहीं भी प्रवेश करने से पहले, चाहे घर में प्रवेश करे, हाथ पैर अपना शुद्ध धो के जाता है, वैसे यहाँ पे एक अंडा रखा, एक मुर्गा रखा, उसके बाद अंदर प्रवेश किया। लखमाराम मंडावी है ना, लखमाराम मंडावी, उन्होंने देखा, अंदर पूरा झांक के देखा, लेकिन उसको मोर नहीं मिला। फिर आपस हो उन्होंने फिर निकला, फिर अंडा को फिर वो दिया। तो वो पहला व्यक्ति थे जो अंदर प्रवेश किए थे जी। कि उसके बाद से आखिरी मतलब गुफा की जो गहराई है वो कितनी होगी? गहराई लगभग 60 फीट से तो ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, आप लोग भी यहाँ पर घूमने आए हैं, क्या इससे पहले कभी अंदर प्रवेश किए थे आप लोग? नहीं, पहला बार है जी। पहला बार है? अच्छा, पहली बार है जी। कहाँ से आए हैं आप लोग? जगदलपुर। जगदलपुर से आए जी। अंदर जाने का कितना एक्साइटमेंट है आपके अंदर? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा, बहुत पहले से मतलब आने का मन था। हाँ हाँ। बहुत सुने थे, अभी आए। तो हम बिना देर किए अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि आखिर इस गुफे का जो खासियत है, जो जानकारी हमको मिल रही है, क्या ऐसा आकार हमको देखने को मिलेगा या नहीं। चलो आप देख लेते हैं, और जिस तरीके से दर्शक इंतजार कर रहे हैं लगातार, उनको भी हम रूबरू करवाते हैं। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम गुफा के अंदर प्रवेश कर रही थी। जैसे जैसे हम गुफा के अंदर पहुंचते गए, धूप अंधेरे के बीच में एक खूबसूरती छिपी हुई नजर आ रही थी। अंदर का नजारा बेहद खूबसूरत था। जरा देखिए इस गुफा के अंदर का यह दृश्य। इसे देखकर ऐसा लगता है कि हम किसी राजमहल में आ खड़े हुए हैं। अभी तो हम गुफा के पहले पड़ाव पर ही पहुंचे थे और आंखों में गुफा का नजारा जैसे थम सा गया, जैसे ठहर सा गया था। आइए हम आपको गुफा की और गहराइयों में लिए चलते हैं और वहां की खूबसूरती दिखाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गुफा में अंधे मेंढक और झींगू पाए जाते हैं। इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। तो गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद हम और नीचे आए हैं, और यहां पर जो नजारा है आप देखिए, ये देखते ही बनता है कि किस तरह से प्रकृति ने इसे निखारा है। और वाइट जो ये पत्थर है, ये पानी के बूंदों से बना हुआ है और झूमर के तौर पे इसे देखा जा सकता है। वो थकान पूरा मिट गया यहाँ पे आके, यहाँ पे देखे दृश्य, जो राजा महाराजा लोग जो रहते हैं उनका जो महल रहता है, सेम दृश्य यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वो देखो वहाँ पे जैसे झूमर
जैसे हम शहर में करते हैं POP, उस तरह का यहाँ पे नज़ारा देखने को मिल रहा है। यहाँ देखो ये पत्थर, चमकीला पत्थर देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कितना अद्भुत नज़ारा है। तो कैसा लगा यहाँ बस्तर आके? बहुत अच्छा लगा। ये आप दो जन नज़ारा देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए ये देवताओं की तरह जो है बना हुआ एक प्राकृतिक जो आकार जो है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये नज़र आएगा। और हम कुछ बात भी कर लेते हैं इनसे कि आखिर ये जो नज़ारा है वो कैसे है। हाँ बताएं, आप कुछ बताएं। अच्छा, वो मेंढक भी पाया जाता है जो कि इस जगह पे, देखिए इसके अंदर कौन सा मेंढक है इसका। ये मेंढक को थोड़ा सा फोकस करेंगे। ये मेंढक का हम लोगों ने पोस्टर के माध्यम से नेगानार टांगा भी गया है। अच्छा अच्छा, यही मेंढक है। ये मेंढक है। हाँ, ये क्या विशेषता है, मतलब मेंढक का? हो सकता है यहाँ ठंडा मस्त है इसीलिए। अभी मतलब ये दिखता नहीं है। अच्छा, उसको दिखता नहीं है। अच्छा, ये मेंढक जो है इसे दिखता नहीं है। देखिए वो हाथ भी लगाया जा रहा है लेकिन वो कोई हरकत उसे नहीं हो रहा है। छूने से हट जाएगा। अच्छा, छूने से हट जाएगा, मतलब महसूस कर सकता है वो। अच्छा, ये गुफा में जब लोग नहीं आते हैं तो इनको क्या है, महसूस नहीं होता होगा कि यहाँ पर कोई है? नहीं तो हम इतने सारे भीड़ लगाए, नहीं तो यहाँ पे कुछ खिसक जाता ना। अच्छा, खिसक जाता है वो। तो ये क्या एक ही है कि यहाँ पे बहुत सारा तादाद है? यहाँ बहुत झिंगुर है, वो झिंगुर, वो लंबे मूछे वाला झिंगुर आमतौर पर गुफा में ही पाया जाता है। अच्छा अच्छा, कुछ झिंगुर भी हैं यहाँ पर जो गुफे के अंदर ही पाए जाते हैं। इनका जो मूछा है लंबा लंबा, काफी लंबा होता है, इसी से लोग संपर्क करते हैं और आके जाते हैं। इनकी भी आंखें नहीं रहती। अच्छा देखिए, मतलब गुफा में रहने वाले जो नज़र बंद कहा जा सकता है कि नज़र बंद रहता है और ये देख नहीं पाते हैं, लेकिन नज़ारा तो है जो है वो काफ़ी अच्छा है। और जिस तरीके से यहाँ पर प्रकृति ने निखारा है, और यह आप बता रहे थे कि यहाँ पर देवी देवताओं का भी चित्र जो है आकार देखने को मिल रहा है। इसके नीचे अगर हम चले जाएंगे तो देवी देवता का रूप में आकार दिख जाएगा। बिल्कुल ऐसा, ये भी विशेषता है कि यहाँ पर अंधे मेंढक जो है वो पाए जाते हैं और झिंगुर भी है, वो भी देख नहीं पाते हैं। और शायद ये हो सकता है कि यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से वो नज़र बंद है। और हम और नीचे चलते हैं और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आखिर और क्या क्या इस गुफा में मौजूद है। गुफा के अंदर प्रवेश करने के बाद आपको इसकी तमाम खासियत से हम रूबरू करवाएंगे। गुफा की छत संगमरमर की तरह नजर आती है, साथ ही अंदर अलग अलग आकृतियां भी नजर आती हैं। ये खूबसूरत नज़ारा जो है ये देखिए, यहाँ पर खड़ा तो नहीं हो सकते, काफी सकरा है। और यहाँ पर जो नज़ारा दिख रहा है ये देखिए, ये ऐसा संगमरमर का बना हुआ इस तरह सा लग रहा है, लेकिन ये पानी से टपकते हुए ये आकार जो है वो लिया है आकार। और यहाँ पर कई ऐसे नज़ारे जो है वो दिख रहे हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ दिखाए, एक बार तौर से दिखाइएगा वहां पर ये जो आकार है। ये कहा जा रहा है कि मगरमच्छ का जो जो मुंह होता है उस आकार में ये लिया हुआ है। और ऐसे जो आकार है वो कई आकार यहाँ पर नजर आ रहे हैं गुफा के अंदर। हालांकि लाइट कम है, इस वजह से पूरी जो तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है, लेकिन अगर मैं अपने नजरों से दिखाऊं तो बिल्कुल ये खूबसूरत नजारा है। और हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे, काफी सकरा रास्ता तो है यहाँ पर, और नीचे बैठ के ही चलना पड़ रहा है। इस तरह की जो दिक्कतें हैं वो सहयोगी से कहूंगा कि वो जो लाइट है उसे लेकर आप आए। इस सफर में आगे बढ़ते ही हम गुफा के तीसरे पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। ये पड़ाव बेहद मुश्किल भरा रहा, मतलब गुफा के अंदर का प्रवेश करने का सफर यहां से शुरू हुआ। ये रास्ता उतना ही कठिन था जितना एक शख्स आर्मी की परीक्षा में पास होने के लिए मेहनत करता है। हमें आर्मी की ट्रेनिंग की तरह रेंगते हुए अंदर जाना पड़ा। इस गुफा का एकमात्र यही रास्ता है जो अंदर की ओर जाता है और वही रास्ता बाहर निकलता है। तो देखिए ये जो नजारा है, इसको देखने के लिए पुलिस फोर्स की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी। हालांकि हमने तो ट्रेनिंग जो है ली नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है और यहाँ से निकलने की कोशिश जो है हम कर रहे हैं, क्योंकि अंदर नजारा जो है वो काफी सुंदर होगा। तो हम अपने दर्शकों को दिखाने के लिए इतना स्ट्रगल जो है वो करना ही पड़ेगा। हालांकि काफी कठिन है ये, और मेरे ख्याल से मेरे जैसे स्लिम जो है
वही इसे पार कर सकते हैं। इसके बाद जो नजारा है उसे देखने की कोशिश करेंगे, और जितना नीचे हम जा रहे हैं ऑक्सीजन की थोड़ी कमी हो रही है। हालांकि जो जानकारी यहाँ बताया जा रहा है वो 60 से 70 फीट जो है वो नीचे गहरा है ये गुफा, लेकिन उसके नीचे भी जगह है जाने का। हालांकि यहाँ के लोग उसके नीचे गए नहीं है, और उसके नीचे जाने से मेरे ख्याल से ऑक्सीजन की काफी तकलीफ होगी, क्योंकि अभी ऑक्सीजन कम होता नजर आ रहा है। तो आइए दिखाते हैं हम आगे का क्या माहौल है, क्योंकि इतना स्ट्रगल और सकरा जो रास्ता पार करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और हम आगे आपको नजारा जो है गुफा का दिखाते रहेंगे। गुफा के अंदर से चार अलग अलग रास्ते हैं। अंदर जाने के बाद हमारी मुलाकात वहां पर मौजूद कुछ पर्यटकों से हुई, उनका क्या कहना है ये भी सुनवाते हैं। तो कमांडो को ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ा सा हमें खड़ा होने का मौका मिला है। हालांकि ये भी जो रास्ता है वो सकरा ही है, लेकिन फिर भी कोशिश जारी है, क्योंकि खूबसूरत गुफा है और लोगों की लाइट भी जो है इंतजार कर रही है। कुछ टूरिस्ट भी आए हुए हैं घूमने के लिए यहाँ पर, और उन्हें भी ये नज़ारा काफी मनमोहक लगा। और देखिए सब इंतजार कर रहे हैं, धीरे धीरे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक साथ एक ही व्यक्ति निकल सकता है और एक ही रास्ता है इस गुफे का, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से आपको वापस जाना है, और अगर बिना गाइड का आप इस गुफा में प्रवेश करते हैं तो बिल्कुल भटकने का ज्यादा चांस रहेगा। और हम देखिए थोड़ा सा पहुंच चुके हैं, और एक मार्क भी दिया गया है कि इस ओर आपको जाना है। और यहाँ पर आवाज जो है सराउंड साउंड गूंज रही है, आवाज मतलब एक आवाज डबल होकर निकल रही है। हालांकि आप तक ये पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन कोशिश हमारी यही है कि इस गुफा में जितना खासियत है वो अधिक से अधिक आपके तक तरफ और आपके तक पहुंचाया जा सके, इसलिए हम इस गुफा के आखिरी छोर तक जाना चाहते हैं। और इस गुफा का क्या विशेषता है ये हम आपको स्पष्ट करवाना चाहते हैं, ताकि अगर आप बस्तर आए घूमने तो इस गुफा के अंतिम छोर तक जा सकें। जगदलपुर शहर से करीब 45 किलोमीटर दूर नेगानार इलाके में बड़े चट्टानों के बीच मौजूद गुफा सैकड़ों साल पुरानी है। हालांकि गुफा का मुख्य द्वार काफी संकरा होने की वजह से ग्रामीण भीतर जाने से पहले हिचकिचाते थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रामीणों ने यहां पर अंदर जाना शुरू कर दिया। इसकी गहराई की जानकारी जिला प्रशासन को भी दी गई। बताया जा रहा है कि गुफा में चूना पत्थर होने के कारण पानी के रिसाव से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रासायनिक क्रिया होने के कारण गुफा में स्लेटमाइट और स्लेटराइट के स्तंभ बन गए हैं। स्लेटराइट के स्तंभ में रोशनी पड़ने की वजह से गुफा और भी ज्यादा चमकदार और आकर्षक लगती है। ग्रामीणों ने बताया कि अद्भुत गुफा के अंदर प्रकृति की बनाई गई सुंदर संरचना और कलाकृति पर्यटकों को आकर्षित करती है। जानकारों का कहना है कि गुफा की गहराई लगभग 60 से 70 मीटर है। ग्रामीणों ने अंदर स्थानीय देवी देवताओं के पत्थर भी स्थापित किए हैं। यहाँ देवी देवताओं का पूजा पाठ भी होता है। मांदरकोंटा गुफा की जानकारी मिलने के बाद लोग इसे देखने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के भी गुफा में आने का सिलसिला शुरू हो गया है। ग्रामीणों का ये मानना है कि इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा सकता है। पर्यटन स्थल बनने से स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। ऐसे में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग ने मांदरकोंटा गुफा पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। बस्तर कलेक्टर ने बताया कि जिला प्रशासन लगातार पर्यटन स्थलों को विकसित करने का काम कर रहा है। बस्तर में मौजूद अन्य गुफा की तरह इस गुफा तक भी सैलानियों की पहुंच को आसान बनाने का प्रयास शुरू कर दिया गया, ताकि आने वाले दिनों में पर्यटक यहां आसानी से पहुंच सके और इस खूबसूरत गुफा की खूबसूरती को निहार सके। फिलहाल यहां आने वाले पर्यटकों को स्थानीय ग्रामीण गाइड के रूप में
इस गुफा की सैर करवा रहे हैं। दरअसल प्रकृति की ओर से बस्तर को दिया गया ये एक तोहफा है जो केवल आपको बस्तर में ही नजर आएगा। कैलाश गुफा, दंडक गुफा और कुटुम्बसर गुफा विश्व में अपनी पहचान बना चुकी है। वहीं मांदरकोटा गुफा को पर्यटन स्थल के रूप में अब तक डेवलप नहीं किया गया। हालांकि पर्यटन विभाग और स्थानीय प्रशासन जल्द ही इस इलाके को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कह रहा है। तो आप जब कभी भी बस्तर घूमने आए तो जरूर मांदरकोटा गुफा की खूबसूरती का लुत्फ उठाएं। तो देखा आपने इस गुफा का नजारा, कितना मनमोहक नजारा था। आप बस्तर घूमने आते हैं तो जरूर इस गुफा को देखने पहुंचें और इसका लुत्फ उठाएं। आशुतोष तिवारी, न्यूज 24, बस्तर।